सीधा प्रसारण आप पुणे के VSI यानी वसंत दादा शुगर इंस्टीट्यूट से देख रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सभा को संबोधित करने वाले हैं। ये शुगर कैन वैल्यू चेन विजन 2025। मंच पर विराजमान महाराष्ट्र के राज्यपाल श्रीमान विद्यासागर राव, महाराष्ट्र के लोकप्रिय युवा मुख्यमंत्री श्रीमान देवेंद्र जी, भारत के सार्वजनिक जीवन में वरिष्ठ नेताओं में से एक श्रीमान शरदराव जी पवार, केंद्र के मंत्रिपरिषद के मेरे साथी श्री प्रकाश जावड़ेकर जी, राज्य मंत्रिपरिषद के श्री चंद्रकांत पाटिल, श्री गिरीश बापट, श्री पांडुरंग जी फुंडकर, श्रीमान सुभाष जी देशमुख, वसंत दादा गन्ना संस्थान के उपाध्यक्ष श्रीमान शिवाजीराव जी पाटिल, श्रीमान दिलीप पाल से पटेल जी और विशाल संख्या में पधारे हुए किसान भाइयों बहनों, सहकारी क्षेत्र के सभी महानुभाव, मैं सबसे पहले वसंत दादा पाटिल की जन्मशती के शुभारंभ पर उनको आदरपूर्वक अंजलि देता हूं। सार्वजनिक जीवन में जिन उच्च मूल्यों की उन्होंने प्रस्थापना की, लेकिन साथ साथ अपने जीवन को किसान के साथ, कोऑपरेटिव के साथ और उसमें भी आधुनिकता की तरफ निरंतर चलते रहना, उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। और आज इस संस्था की जो हम मजबूत नींव देख रहे हैं, उसके मूल में वसंत दादा पाटिल जी का दीर्घ दृष्टि, उनका योगदान और भारत के अर्थकारण की जो मूल धारा है, जो गांव और किसान से जुड़ी रहती है, उसको भली भांति पहचान करके उसको ताकत देने का निरंतर प्रयास, ये आने वाली पीढ़ियों को भी उपकारक होने वाला है। हमारे देश में जिस गति से कृषि क्षेत्र में अनुसंधान होने चाहिए थे, टेक्नोलॉजी का उपयोग बढ़ना चाहिए था, दुनिया जिस गति से आगे बढ़ी है उसमें हम काफी पीछे रह गए। आज भी विश्व में प्रति एकड़ जो शुगर कैन का यील्ड है, पैदावार है, उसकी तुलना में हम काफी पीछे हैं। आज भी दुनिया में शुगर कैन में जो शुगर कंटेंट है, हमारे देश में आज भी उसमें वेरिएशंस हैं। दक्षिण में एक अनुभव आता है, मध्य में दूसरा आता है, उत्तर में तीसरा आता है। और ऐसे समय एक डेडिकेटेड इंस्टीट्यूशन जो निरंतर वैज्ञानिकों को साथ लेकर के टेक्नोलॉजी का भरपूर उपयोग करते हुए और किसान जो भाषा में समझे उस भाषा में खेत तक पहुंचाने का जो प्रयास कर रही है,
मैं नहीं मानता हूं कि ये कोई छोटा सा काम है और उसका परिणाम हम अनुभव करते हैं। आज मैं शरद राव जी के साथ फार्म विजिट भी की, मैंने सारी चीजों को समझने का प्रयास किया। मेरी भी इन चीजों में थोड़ी जिज्ञासा रहती है। मैं कभी परेशान होता था कि सुगर में जो फ्लड इरिगेशन होता है और किसान के दिमाग में भर गया था कि जब तक खेत लबालब पानी से भरा हुआ नहीं होगा तब तक फसल हो ही नहीं सकती। मैं बहुत साल पहले मॉरिशस गया इस चीजों को समझने के लिए, तब तो मैं राजनीतिक जीवन में भी नहीं था, और मैंने वहां पाया कि स्प्रिंकलर से उनके खेत लहलहा रहे थे, फ्लड इरिगेशन नहीं था। मैंने आकर के मेरे यहां जब किसानों से बात की तो मैं उनके गले नहीं उतार पाया। ये बहुत पुरानी बात है, उस समय मैं उनको समझा रहा था, उनको जरा अजूबा लगता था कि इसको क्या समझ आती होगी, लेकिन मैं कोशिश करता था कि भाई ऐसा नहीं है, हम माइक्रो इरिगेशन से शुगर केन में बहुत अच्छे परिणाम ला सकते हैं। और इन दिनों मेरे लिए खुशी की बात है कि पानी का जैसा हम संकट अनुभव कर रहे हैं और विशेष करके महाराष्ट्र और गुजरात, यहां का किसान बहुत तेजी से शुगर में माइक्रो इरिगेशन की तरफ आगे बढ़ा है और उसका फायदा भी उसको नजर आया है। जहां पर माइक्रो इरिगेशन से शुगर कल्टीवेशन हुआ वहां पर क्रॉप की क्वालिटी, क्रॉप का क्वांटम और उसमें शुगर का कंटेंट, इस सब में सुधार नजर आया है। और इसलिए धीरे धीरे शुगर इंडस्ट्रीज वालों को भी लगने लगा है कि अगर हम माइक्रो इरिगेशन की ओर उनको प्रोत्साहन देंगे तो अवश्य लाभ होगा। यहां जो रिसर्च इंस्टीट्यूशन चल रही है, दो चीजें हैं जिस पर अगर हम काम कर सके। मैंने सरकार के इन विभागों के साथ पहले एक बार बात की थी, दुनिया में जो शुगर है उसकी जो दो गांठ है उस दो गांठ के बीच में अंतर ज्यादा होता है। हमारे यहां जो शुगर है उसकी दो गांठ में अंतर कम होता है और उसके कारण हमारा शुगर कंटेंट में लॉस जाता है, वेस्टेज मटेरियल ज्यादा निकलता है। हमें जेनेटिक इंटरवेंशन से हमारे शुगर केन के ये जो दो गांठ होती है ये इसका डिस्टेंस कैसे बढ़े, अगर ये बढ़ता है तो हमारा शुगर कंटेंट भी बढ़ेगा और उसके कारण जो वाटर कंजम्पशन है वो भी कम उसकी आदत लगती है, क्योंकि उस गांठ के कारण उसको ग्रो करने में ज्यादा ताकत लगती है। अगर इस पर हम ज्यादा रिसर्च कर पाए, लेकिन करते तो हम शुगर के लिए हैं, ये इंस्टीट्यूशन भी शुगर के लिए डेडिकेटेड है, लेकिन एक और क्षेत्र है जिसमें अगर शरद राव जी इनिशिएटिव ले और यहां के साइंटिस्ट कुछ काम करें, और दोनों एक ही नेचर के काम है और वो है बांबू। बांबू की खेती का एक ग्लोबल मार्केट है, लेकिन हमारे देश का जो बांबू है उस बांबू का भी प्रॉब्लम ये है कि उसका भी दो गांठ का जो बीच का अंतर है वो बहुत कम है और उसके कारण बांबू से वैल्यू एडिशन और जो बाय प्रोडक्ट होते हैं उसमें हमारे किसान को जितना चाहिए उतना फायदा नहीं होता है। बांबू की खेती, पानी की भी जरूरत कम और पैदावार ज्यादा की संभावना है।
जिस जेनेटिक इंटरवेंशन से हम शुगर के में बदलाव ला सकते हैं, मेरा मोटा मोटा अनुमान है, मैं साइंटिस्ट नहीं हूं, साइंटिस्ट लोग इसमें ज्यादा मदद कर सकते हैं, बांबू में भी यही रिसर्च साइमेंटेनियस यहां अगर चल सकती है और हम ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बांबू क्वालिटी अगर हम लाते हैं तो हमारे देश में एक नया क्षेत्र एग्रो इकोनॉमी का हम प्रारंभ कर सकते हैं, उस दिशा में करने की दिशा में सोचा जा सकता है। दूसरा जो विषय है, जमीन कम होती जा रही है, किसान का परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी, बच्चों में जमीन के टुकड़े बढ़ते चले जा रहे हैं, जनसंख्या वृद्धि के कारण भी जमीन कृषि की कम होना और बाकी उपयोग में बढ़ना स्वाभाविक होता जा रहा है। ऐसी स्थिति में किसान का भला तब होगा जब हम प्रति हेक्टेयर हमारी उत्पादन क्षमता को बढ़ाएं। प्रति हेक्टेयर उत्पादन क्षमता भांति भांति के फर्टिलाइजर का ढेर करने से होता है, ऐसा नहीं है। वैज्ञानिक तरीके से संतुलित उपयोग करने से ही होता है। खुशी की बात है कि पहले शुगर का किसान इस बात को स्वीकार करने को तैयार नहीं था कि हम दो शुगर केन की लाइन के बीच में भी कोई तीसरा क्रॉप कर सकते हैं। अब खुशी की बात है कि खास करके पल्सिस, तूर दाल के लिए, मूंग के लिए किसान अब शुगर केन के बीच में भी धीरे धीरे वो खेती करना प्रारंभ किया है और जिन्होंने ड्रिप इरिगेशन या स्प्रिंकलर का उपयोग किया है उनके लिए एक बहुत सरलता हुई है। एक प्रकार से बाय प्रोडक्ट है, शुगर से जो आपको इनकम मिलती थी वो तो मिलती है, ये बीच वाली जगह जो पड़ी थी उसमें ये अतिरिक्त क्रॉप करने के कारण कुछ लोग सब्जी में गए हैं, कुछ लोग फ्लावर में गए हैं और ज्यादातर लोग पल्सिस में गए हैं। हम चाहते हैं पल्सिस को हम प्रमोट करें। आज भी भारत को बहुत बड़ी मात्रा में पल्सिस का इंपोर्ट करना पड़ता है। पल्सिस की हमारी रिक्वायरमेंट बहुत है और इसलिए हम शुगर के साथ साथ पल्सिस को अगर बढ़ावा देंगे तो एश्योर्ड मार्केट की गारंटी है। एकाध बार शुगर फैक्ट्री में उतार चढ़ाव आएगा तो भी हमारे किसान को उस एक वर्ष संकट में से निकलने में भी ये बीच वाला जो जगह का खेती का काम है उससे उसको फायदा हो सकता है और उस दिशा में जितनी ज्यादा रिसर्च हो सके उस रिसर्च को करने की मैं आवश्यकता देखता हूं। आज तक हमारा शुगर केन से, गन्ने से जुड़ा हमारा जो किसान था उसका पूरा नसीब शुगर मिल पर डिपेंडेंट था। शुगर मिल ही उसका भाग्य तय करती थी। जहां कोऑपरेटिव बेस मजबूत रहा और वसंत दादा पाटिल कहो या शरद राव जी के पिताजी के जमाने की बात करें या वेंकुटराय मेहता करके गुजरात के एक बहुत बड़े कोऑपरेटिव के डेडिकेटेड नेता थे, इस पीढ़ी ने कोऑपरेटिव की ऐसी जड़ें जमाई कि जिसके कारण आज गुजरात महाराष्ट्र के किसानों को यह अनुभव है कि इस कोऑपरेटिव बेस के कारण कुछ न कुछ मात्रा में संकटों के समय उनको मदद मिल जाती है। लेकिन यह समय की मांग है कि हमने हमारे वैल्यू एडिशन में ग्लोबल इकोनॉमी को अब नजरअंदाज नहीं कर सकते। दुनिया में अगर शुगर ज्यादा हो गई तो भारत की बड़ी पिटाई हो जाती है, दुनिया में शुगर कम हो गई तो भारत को मौका मिल जाता है। कभी कभार भारत के लिए मार्केट का अवसर होता है लेकिन अकाल होता है तो किसान उस पर दबा हुआ होता है तो हम उस अपॉर्चुनिटी का फायदा नहीं ले पाते हैं। एक ऐसी अवस्था में से हमारे इस क्षेत्र को संभालना पड़ता है, उसमें एक मार्ग है
जिसमें हम एश्योरेंस पैदा कर सकते हैं वो है इथेनॉल। आज भारत को एनर्जी का इंपोर्ट सबसे बड़ा जो हमारा विदेशी मुद्रा के पैसे जाते हैं वो पेट्रोल डीजल ऑयल इस सब में जाते हैं। इथेनॉल से हम इस इंपोर्ट को कैसे कम करें, हमारी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, और दुनिया के ब्राजील जैसे अनेक देश हैं जिन्होंने इथेनॉल का बहुत उत्तम तरीके से उपयोग करके पेट्रोल वगैरह को बचाया एंड एनवायरमेंट फ्रेंडली ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को लाया, हम भारत में इसकी उपयोगिता को कैसे बढ़ाएं। पिछले दो वर्ष में इथेनॉल का उत्पादन और उसकी बिक्री 3 गुना हुई है, इतिहास में हाईएस्ट ये 2015-16 में हुई है, लेकिन फिर भी हमारी क्षमता के हिसाब से ये काफी पीछे है। और इसलिए हमारे लिए आवश्यक है कि नीतियों के द्वारा, सपोर्ट सिस्टम के द्वारा हम वैल्यू एडिशन में खास करके इथेनॉल पर और देश के इंपोर्ट को हम कैसे कम करें, हमारी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में और खाड़ी का तेल की झाड़ी का तेल। मेरा विश्वास है हमारा देश का किसान खाड़ी के तेल से मुक्ति दिलाकर झाड़ी के तेल से देश को आगे बढ़ाने की ताकत रखता है। हमने उन चीजों को बल देना है और सरकार ने कुछ प्रोग्रेसिव पॉलिसीज का इनिशिएटिव लिया है। पहली बार इथेनॉल में एक प्रकार के लचीला कहें लेकिन एमएसपी टाइप व्यवस्था की ताकि मार्केट एश्योर हुआ। कुछ शुगर फैक्ट्री ऐसी हैं कि जिनके पास इथेनॉल बनाने के प्लांट नहीं है, हमने उनसे कहा था कि आप किसी दूसरे का काम लीजिए, हम आपको कॉम्पनसेट कर देंगे। और इसके कारण टोटल शुगर केन का प्रोडक्ट, गन्ने का प्रोडक्ट, उसका इतनी मात्रा में इथेनॉल की तरफ जाने में हम सफल हो सकते हैं। शुगर मार्केट डाउन जाए तब भी हम इसको बैलेंस कर सकते हैं, शुगर का मार्केट की कठिनाई आ जाए तो हम इसको इस पर डाइवर्ट कर सकते हैं। तो इकोनॉमी में बैलेंसिंग पावर के रूप में ये एक प्रयोग हमें बहुत काम कर सकता है। और एक क्षेत्र है स्टार्टअप्स। ये बात निश्चित है कि इनोवेशन की दिशा में हमने बहुत कुछ करना पड़ेगा, और जितना इनोवेशन एक फार्म में होता है उससे भी ज्यादा इनोवेशन एग्रीकल्चर में आज इंजीनियरिंग के द्वारा हो रहा है। जैसे मेडिकल साइंस टोटली टेक्नोलॉजी ड्रिवन हो रहा है, टेक्नोलॉजी जो पूरी तरह मेडिकल साइंस में बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है, वो दिन दूर नहीं है जब एग्रीकल्चर सेक्टर में भी टेक्नोलॉजी बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करने वाली है। हम हमारे नौजवानों को, हमारे साइंटिस्टों को, हमारे टेक्नो एक्सपर्ट्स को स्टार्टअप के द्वारा मौका दें, इनोवेशन का मौका दें। वसंत दादा पाटिल के इंस्टीट्यूशन के द्वारा हम शुगर पर केंद्रित होकर के खेत और शुगर के बाय प्रोडक्ट और उसके लिए कुछ मशीन्स का इनोवेशन मैंने अभी देखा। जिस प्रकार से दूध के फैट निकाले जाते हैं वैसे ही शुगर कंटेंट का फैट, शुगर का क्या स्थिति है, मशीन से निकाला जा सकता है। ये मशीन आज पॉपुलर हो रहे हैं, लेकिन ऐसे बहुत छोटे छोटे मशीन हमारे नई पीढ़ी के युवा होनहार नौजवान कर सकते हैं। स्टार्टअप्स को हमने बल देना है। हमारे स्टार्टअप जितनी बड़ी मात्रा में एग्रीकल्चर सेक्टर में आएंगे, हमारे देश का किसान का कृषि एंड वैल्यू एडिशन दोनों का काम बहुत ही उपकारक होगा। और इस दृष्टि से मैं समझता हूं कि हमारे देश में एग्रीकल्चर में जो सेकंड ग्रीन रिवॉल्यूशन की बात होती है वो सिर्फ खेतों की साइज और कृषि उत्पादन यहां तक सीमित नहीं रह सकती है। कृषि उत्पादन के प्रकार, जेनेटिक इंटरवेंशन, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, वैल्यू एडिशन,
एंड मार्केट। इन दिनों सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के द्वारा किसान को सबसे ज्यादा सुरक्षित करने वाली योजना बीमा योजना लाई है। सॉइल हेल्थ कार्ड के द्वारा किसान को अपनी जमीन में क्या किसान की एक समस्या रही है, अगर बगल वाला किसान लाल डिब्बे वाली दवाई ले आया और उसने अगर छिटक दी तो उसको लगता है मैं भी लाल डिब्बे वाली दवाई ले आऊं, अगर बगल वाले किसान ने इतना पीला पाउडर डाल दिया तो उसको लगता है मैं भी पीला पाउडर डाल दूं। दोनों की जमीन का स्वभाव अलग है, दोनों की जमीन की आवश्यकता अलग है। एक की जमीन में कुछ गुण ज्यादा है, किसी की दूसरे की जमीन में दूसरे गुण ज्यादा है। सॉइल हेल्थ कार्ड के द्वारा हम अपनी जमीन की तबीयत जाने, मनुष्य के शरीर में जिस प्रकार से आज डॉक्टर जब तक कि आप ब्लड टेस्ट नहीं करवाते, यूरिन टेस्ट नहीं करवाते, पैथोलॉजिकल रिपोर्ट नहीं आता है, दवाई नहीं देता है, जमीन का भी वैसा ही है जैसे मनुष्य के शरीर का है। हम भी अपना सॉइल हेल्थ कार्ड बहुत बड़ी मात्रा में, हमारे स्टार्टअप्स सॉइल टेस्टिंग लैब बना सकते हैं, हमारे किसान भी अपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी के द्वारा सॉइल हेल्थ लैब बना सकते हैं। और हमारे किसान को आदत लगनी चाहिए कि हर वर्ष फसल में जाने से पहले एक बार जमीन की तबीयत का खबर दे ले और उसके अनुसार अपना टाइम टेबल बना दें। आप देखिए हमारा खर्च बहुत कम हो जाएगा। महाराष्ट्र सरकार ने एक बड़ा इनिशिएटिव लिया है सोलार पंप का। सोलार पंप की मूवमेंट को हम अगर किसानों तक ले जाएंगे तो हमारी कॉस्ट इफेक्टिव फार्मिंग, बिजली का खर्चा, पानी का खर्चा सबसे ज्यादा होता है, अगर हम सोलार पंप को, भारत सरकार भी मदद कर रही है, महाराष्ट्र सरकार ने भी इनिशिएटिव लिया है, कोऑपरेटिव यूनियन भी उसके साथ जुड़े, और अगर हम बिजली बचा करके सोलार के द्वारा खेती में उपयोग लाने की दिशा में जाएं तो कॉस्ट इफेक्टिव फार्मिंग के लिए हमें वो बहुत लाभ कर सकता होता है और उस दिशा में हमने प्रयास करना चाहिए। मुझे विश्वास है कि आप लोग खेती के क्षेत्र में मुझसे हजार गुना अनुभवी लोग हैं और मैंने देखा है शरद राव जी को, वो कितनी राजनीति की आपाधापी में क्यों न हो, दिन में कितने ही राजनीतिक उठापटक के दबाव के नीचे क्यों न हो, लेकिन अगर किसान की बात आ जाए, खेती की बात आ जाए तो तुरंत एक्टिव होकर के उस काम को हाथ में ले लेते हैं। इतना उनका डेडिकेशन, उनका इस डेडिकेशन को मैंने देखा है। और इस फरवरी में सार्वजनिक जीवन में 50 वर्ष जनप्रतिनिधि का उनका समय हो रहा है, मैं अभी से बधाई देता हूं, 50 साल तक विदाउट ब्रेक जनप्रतिनिधि के रूप में चुन करके आना, चुनाव जो लड़ते हैं जीतते हैं उनको पूरा पता है कि किस प्रकार से जिंदगी जीनी पड़ती है, शरद राव जी ने जी करके दिखाया है। और एक बहुत उत्तम उदाहरण सभी सार्वजनिक जीवन के लोगों के लिए एक उत्तम उदाहरण उन्होंने प्रस्तुत किया है। वैसे हमारे देवेंद्र फडणवीस जी, अगर उनका मैं नागपुर के म्युनिसिपैलिटी में जो चुन करके वो आए कॉरपोरेटर उसको हिसाब लगाऊं तो उनको भी 25 वर्ष नॉन स्टॉप जनप्रतिनिधि का हो रहा है शायद, इतनी छोटी आयु में अगर उनका, लेकिन शरद राव का एमएलए और एमपी वाला मामला है, अपने आप में बड़ी विरासत है, सार्वजनिक जीवन की एक बहुत बड़ी पूंजी है, बहुत बड़ी विरासत है। मैं व्यक्तिगत रूप से शरद राव का अत्यंत आदर करने वाले व्यक्तियों में से रहा हूं, मैं गुजरात का मुख्यमंत्री था, वो हमेशा मुझे उंगली पकड़ करके चलाने में मेरी काफी मदद करते रहे हैं और ये बात सार्वजनिक रूप से स्वीकारने में मैं गर्व अनुभव करता हूं। और मैं मानता हूं कि सार्वजनिक जीवन जनहित के लिए होता है। भाइयों बहनों, एक बात इस विषय से हटकर के भी मैं करना चाहता हूं,
8 तारीख रात 8 बजे हम जानते हैं हमारे दुश्मन हमारे देश को तबाह करने के लिए उनके अपने देश में जितनी करेंसी छापते हैं उससे ज्यादा हमारे देश में नकली नोट घुस जाए जाली नोट घुस जाए उसके खेल खेलते रहे और बड़ी बड़ी नोटें जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है नक्सलवाद के नाम से हो उग्रवाद के नाम से हो एक्सटॉर्शन कर करके लोगों से रुपए पड़ाते हैं जंगलों में पेड़ के नीचे दबा के रखते हैं आर्म्स लेते हैं आतंकवाद को बंद मिलता है इनकी ये जो धोरी नस है जहां से उनको पैसा आता है उसको काटना बहुत जरूरी था इसलिए 8 तारीख रात 8 बजे 1000 और 500 की नोट जाली नोट इन सब पर एक बहुत बड़ा निर्णय सरकार ने किया है देश की जनता ने उसको जो आशीर्वाद दिए हैं मैं इसके लिए देश की जनता का आभारी हूं एक भ्रम फैलाया जा रहा क्योंकि यहां बड़ी मात्रा में किसान है इसलिए मैं कहना चाहता हूं किसानों को भ्रमित किया जाता है कि अब 1000 और 500 की नोटें गई और आपके पास जो खेती से कमाई करके पैसा आया है वो बैंक में जमा करना पड़ेगा और फिर मोदी उस पर टैक्स लगाएगा मेरे किसान भाइयों आप पर कोई टैक्स लगने वाला नहीं है आप बेफिक्र रहिए ये देश आपका है ये पैसे आपके हैं ये बैंक भी आपकी है ये मोदी भी आपका है तो इन सारी भ्रमचालों से लेकिन हम ये बात सही है मैंने देश की जनता से 8 तारीख को ही 50 दिन मांगे हैं क्योंकि इतना बड़ा बदलाव लाना आपको मालूम होगा 1978 में जब जनता पार्टी की सरकार थी तब मोरारजी भाई देसाई उन्होंने 1000 की नोट बंद की थी मैं कोई पहला नहीं हूं जिसने काम किया है उसके बाद यूपीए सरकार थी उसने 54 बंद की थी आपको शायद याद होगा उन्होंने 54 पर प्रतिबंध लगाया था अब वो तो आप जाने लेकिन मोरारजी भाई ने 1000 की नोट पर बंदी लगाई थी लेकिन उस समय रिजर्व बैंक ने टोटल 145 करोड़ रुपयों की मूल्य की 1000 की नोटें छापी थी और उसमें से सिर्फ 80 करोड़ पब्लिक में थी 65 करोड़ बैंकों में पड़ी थी बाहर निकली भी नहीं थी इस समय देश में 500 और 1000 की नोट इसकी वैल्यू करीब करीब 14 लाख करोड़ रुपया है कहां 145 करोड़ और कहां 14 लाख करोड़ और इसी का फायदा दुश्मनों ने समाजद्रोहियों ने भ्रष्टाचारियों ने इसका फायदा उठाया है अगर इसको जड़ मूल से नहीं उखाड़ के फेंकेंगे तो देश की भावी पीढ़ी को उसके सपनों को पूरा करने में हमारी व्यवस्थाएं ही रुकावट बन जाएगी और इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों ये मैं नहीं कह सकता कि इतने बड़े निर्णय से कोई तकलीफ ही ना हो
मैंने पहले दिन कहा था असुविधा होगी, कष्ट होगा, तकलीफ होगी, लेकिन इसे 70 साल की बीमारी, इससे मुक्ति का रास्ता खुल जाएगा मेरे भाइयों बहनों, भावी पीढ़ी के लिए रास्ता खुल जाएगा। गरीब मध्यम वर्ग का आदमी गर्व के साथ माथा ऊंचा कर करके जी सकेगा। मैं देशवासियों से इस भगीरथ काम के लिए कुछ असुविधा रहते हुए भी सहयोग करने का आग्रह कर रहा हूं। कुछ लोग होंगे जिनकी तकलीफ जरा ज्यादा होगी, वे पता नहीं क्या क्या करेंगे, लेकिन उनकी मुझे ज्यादा चिंता नहीं है। मुझे चिंता देश के सामान्य नागरिक की है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आपको अपने 500 का नोट किसी को 499 में भी देने का जरूरत नहीं है। आपका 500 का 500 आपके हक का है, आपको मिलेगा। आपके 1000 के नोट में से 10 रुपया भी कम किसी को करने की जरूरत नहीं है, आपका 1000 का पूरा 1000 मिलेगा। बस मुझे 30 दिसंबर तक, मैंने 50 दिन का समय मांगा है, व्यवस्थाएं चल रही है। हां, ये चीजें 8 तारीख के पहले मैं कर ही नहीं सकता था, वरना ये चीजें छिपी नहीं रहती, ये लीक हो जाती, और लीक हो जाती तो इसके जो सेंसर है, जिनके घर में बोरी की बोरियां भरी पड़ी है, वो तो इसका मैदान मार लेते हैं। मैं गरीब के लिए हूं, गरीब के हकों के लिए हूं, सामान्य मानवी के लिए हूं, सामान्य मानवी के हकों के लिए हूं। इसलिए कष्ट होगा इसका पूरा अंदाज था। शुरू के कुछ दिनों में बैंकों से पैसे पहुंचने में तकलीफ होनी थी, लेकिन मुझे विश्वास है देशवासी 30 दिसंबर तक मेरी मदद करेंगे और देश के में शुचिता के लिए, शुद्धिकरण के लिए, प्रामाणिकता के इस पर्व के लिए आपका पूरा सहयोग रहेगा। इसी एक अपेक्षा के साथ फिर एक बार वसंतराव दादा को बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं, श्रद्धांजलि देता हूं। और ये शताब्दी वर्ष किसानों के जीवन में बदलाव लाने के लिए आधुनिक कृषि की तरफ हमें ले जाने वाला बने, यही मेरी शुभकामना है। मुझे इस अवसर पर आने का मौका मिला, मैं शरद राव का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि मुझे उन्होंने इतने प्यार और सम्मान के साथ इतने बड़े महत्वपूर्ण अवसर पर निमंत्रित किया। बहुत बहुत धन्यवाद।